सिराज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोहम्मद सिराज, अस्सलाम वालेकुम जारा, जारा, हाँ, उठ गए मेरे चांद तारे, उठ गए हैं? अच्छा, वे क्या कर रहे हो? फिर से सोना है? फिर से सोना है? यो सो सो जो, नहीं सोना, नहीं सोना। चलो सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो सबको। जारा, जारा, जारा ने अभी सोना है, और सोना है अभी। नीनी पूरी नहीं हुई अभी? नीनी आ रही है अभी। हाँ, सबको बोलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? जारा सिराज बिल्कुल ठीक ठाक है, सिराज भी ठीक है, जारा भी ठीक है। और सबसे पहले सिराज के और जारा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है? फिर हम करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। ट्रिन 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 ट्रिन। क्या है ये, क्या खा रहे हो? नाश्ता नहीं दिया मामा ने? दिया तो था नाश्ता अभी। इसे, इसको खाते नहीं है। जारा, क्या बात है, क्या लेना है, क्या लेना जारा ने? अच्छा, मामा आती हैं, उधर से आती हैं, मामा आपके पास आती हैं। क्या हुआ, रोने क्यों लगी थी? क्या बात है, है? मुझे मुझे मार रहे हो? क्यों क्यों मार रही जारा मुझे, बताओ? ये गिर जाओगे? हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है? हिक्कप्स आ रहे हैं, हिक्कप्स आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। मुझे हाथ निकालो। सिराज, आपने खा लिया? सिराज इधर देखो, सिराज, बबलू, ये खाने वाली चीज है? इसे आप नाश्ता कर रहे हो? छोड़ो इसको। नो बबलू, नो। नींद आ रही है फिर से? नहीं आ रही है। चलो सुनाओ, उठा था ना मेरे पीटा, पीडी पिया है, डायपर चेंज किया है, नाश्ता किया है, अब सोने का टाइम है, फिर से सो जाओ। चलो आओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं रोना नहीं है। सिराज, आपको भी सुनाऊं? हैं? अच्छा जी, रोते नहीं है। ये टॉय पीछे करो, पीछे करो आंख पर से। इनके ये रूटीन है कि ये पहले सुबह उठते हैं 6 बजे, फिर सो जाते हैं, फिर 9 बजे उठ के डायपर शायपर चेंज करना है, दूध पीना है, थोड़ा सा खेलना है, फिर इन्होंने सोना होता है, मतलब आधे घंटे के अंदर सारा कुछ कर करा के फिर से सोना है। सोना है तो फिर 2 घंटे सो लेते हैं, तब मतलब अब 9 से 11 बजे तक। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारी रूटीन बता रही हूँ मैं। हाँ, अरे तुमने रोना ही शुरू कर दिया है। चलो आओ सुनाओ, दो दो मैना को झूला दो। सिराज झूला दे रहा है मैना को? हाँ पकड़ो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अल्लाहू। सिराज झूला दे रहा है अपनी बहना को। तुमने नहीं सोना? चलो तुम्हें भी सुनाऊं। दिन में भी हमें रात वाला माहौल बना के तो फिर ही सुलाना पड़ता है, फिर ही सोते हैं। सो जाओ बेटा, सो जाओ। अब जी मैं इनको दोबारा से सुला रही हूँ,
तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं सारे आगे आगे क्या होता है, पूरा दिन पड़ा है अभी। बच्चे सो के उठे तो थोड़ा सा कमरे को मैंने किया है सेट वेट, और उनको बाहर निकाला है चारपाई पे। बाहर धूप आज निकली हुई काफ़ी अच्छी, 2 दिन से बादल थे, बारिश थी, तो आज धूप निकली है। कल कपड़े भी धोए थे बच्चे हैं, वो लेटे हुए हैं चारपाई पे अपनी कज़न के साथ। ज़ारा, हाँ जी, क्या कर रहे हो? अब सामने आओ, उसने गिर जाना है, उसके सामने आओ। धूप में मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है धूप में? हाँ मैं कपड़े उठा लूँ। तकरीबन खुशक हो चुके हैं सारे। चलें जी, कपड़े उठा के अंदर लेके जाती हूँ सारे ही, फिर बच्चों को लेके जाएंगे। अभी थोड़ी धूप लगवा लें, मैं अपनी देर उनको बाहर लटा के सफाई वगैरह कर लूँ। ओए कजन आ गया, रोने लग गई है, रोने लग गई है, क्या हुआ? हवा भी तेज हो गई है। चलो जी, बच्चे शुक्र है अल्लाह का सो गए, अब थोड़ा सा हम भी पेट पूजा कर लें। फ्रेश फ्रूट्स प्लस ड्राई फ्रूट्स। अच्छा जी, तो आज क्या आया है? आज आया है बेबी बाथर, और मैं आपको इसका पूरा तरीकाकार और इसका बताती हूँ कि कितना ये यूज़फुल है, कितना हेल्पफुल है मदर्स के लिए, न्यूली जो मदर्स हैं ना उनके लिए। मामाज़ लव ये ब्रांड है, तो ये मदर टब है, मदर बेबी बाथर भी कह सकते हैं इसको। बहुत ही ये ना यूज़फुल है छोटे बच्चों के लिए, नहलाना उनको बहुत आसान है। मैं नहलाती थी सिराज को, तो मेरे हाथ से स्लिप हुआ 2 दफ़ा, ना नहीं ठीक से पकड़ा नहीं जाता था। बॉक्स में से मैंने इसको निकाल लिया, निकाल के ओपन भी कर लिया, तो मैं दोबारा से इसको करने लगी थी कि आपको दिखाऊं पूरी इसकी ओपनिंग, पूरी ओपनिंग दिखाऊं, तो मगर ये ना यहाँ से मुझसे बंद नहीं हुआ, इस वाले से खुला नहीं दोबारा से। तो मैंने कहा अब ऐसे ठीक है, ऐसे मैंने फिक्स करते करते तोड़ ही ना लूँ। तो ये है इस तरह से सीट, बाथ टब आप के अंदर रख लें इसको, वैसे फर्श पे रख लें, और दूसरा जो टब है सिंक है उसके अंदर रख लें, रख के बेबी को लटाएं। ये इसके यहाँ पे बैक साइड है इसके, ये 2 पोर्शन है कि आपने कितना इसको यहाँ से कितना नीचे करना है। इसको घुमाएं और इसको ऐसे नीचे फिक्स कर दें। एक हाथ से मुझे ना थोड़ी मुश्किल हो रही है। और ये इसका दूसरा है कि अगर आपने सीट को थोड़ा ऊंचा रखना है तो आप इसको इस वाले में कर सकते हैं बंद। अगर आप कहते हैं बेबी पूरा प्रॉपर लेटा हुआ हो तो आप इसको थोड़ा पीछे करें। और बहुत मज़े की बात है कि इसके साथ बेल्ट है, बेबी को बेल्ट लगा के इस तरह से इसके ऊपर बिठाएं। बेबी मूवमेंट करते हैं ना नहाते हुए, हाथों से स्लिप होते हैं तो वो गिरने का ख़तरा होता है, बेल्ट लगा दें तो कोई मसला नहीं। और मेरा बेबी उठ गया, बिल्कुल ना सेफ हो जाता है बेल्ट के साथ। शावर देना बहुत ही ईजी हो जाएगा, मेरे लिए तो बहुत ईजी है ये चीज़। ऐसे है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ये देखें ना, इसके ऊपर लटाएंगे पानी जो है वो खुद ब खुद नीचे चला जाएगा, ड्रेन हो जाएगा पानी। और बेबी यहाँ पे इसकी उसकी लेग्स यहाँ पे होंगी सारी यहाँ पे, तो जैसे लेटने वाली पोजीशन में लेट भी सकता है, बैठ भी सकता है, इस तरह से बहुत ही इजी है। ये पूरी इसकी प्रॉपर लुक है इस तरह से, ये यहाँ से खुल जाता है, बंद हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, कैरी करना है आप इसको, ये देखें इसके ऊपर है, इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। मतलब आप ट्रैवल करते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, जैसे हम अपने मेके जाती हैं तो
ले जाएं साथ, नहलाना तो बहुत इजी हो जाएगा इसमें। ये ज़ारा श्राज के लिए मैंने मंगवाया था द्राज डॉट पी के से, बहुत ही अच्छा है जी। व्यूअर्स तो अब काका जी उठ गए हैं, उसको देखूँ मैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।